नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डेस्क का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 17 सड़कों की विकास परियोजनाएं के लिए अरुणाचल प्रदेश में 89.94 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। सोमवार को दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट रीजन के सचिव आर विजय कुमार ने राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोजेन गादी के साथ मुलाकात की, जिसमें विभिन्न सड़कों के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 26 सितंबर को जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जीरो आए थे, उस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोजेन गादी ने उन्हें कोयू ईगो रोड की मरम्मत के लिए फंड मुहैया कराने संबंधित मेमोरेंडम सौंपा था, जिस पर रिजिजू जी ने जीरो के 17 NLCPR प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रिलीज करने का आश्वासन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को कांग्रेस सेवा दल के विधायक दोपो रिजो दिक्तो याकार ने ईटानगर के अरुणाचल प्रेस क्लब में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सदस्यता अभियान लॉन्च करते हुए विधायक दोपो रिजो दिक्तो ने कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को राजनीति जगत में कदम रखने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्होंने बताया कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी को भी कोई राशि नहीं देनी होगी। वहीं कांग्रेस सेवा दल के चेयरमैन कीपा कहा ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ वक्त पहले कैबिनेट ने बेरोजगार ठेकेदारों के लिए निःशुल्क लाइसेंस देने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इससे ठेकेदारों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं कीपा ने केंद्र सरकार और प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, स्पेशली इंजीनियरिंग यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए, क्योंकि अभी पहले हाल ही में कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस इश्यू करता था, उसको सरकार ने अलग ढंग से इस पर कैबिनेट डिसीजन लिया है। अभी जितने भी अनएम्प्लॉय इंजीनियरिंग है यूथ्स है, उनको सरकार फ्री लाइसेंस इशू करेगा। वो खुद एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंजीनियरिंग होने का नाते, और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, और उनको फी भी नहीं लिया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट डिसीजन ये लिया है, और हम सब उनको अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के ओर से और पार्टी कार्यकर्ता होने का नाते हम लोग उसको स्वागत करता है। और इसमें टेंडर सिस्टम इस प्रकार से होगा, 5 करोड़ तक का टेंडर जो है ब्लॉक लेवल में होगा, सरकार ने निर्णय लिया है। उसमें कोई अन्य ब्लॉक से आके टेंडर नहीं डाल पाएगा, और 10 करोड़ तक का जो टेंडर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट का लोग पार्टिसिपेट करेगा, वो लोग ही टेंडर मार सकेगा। क्योंकि खास करके मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ, आजकल हमारे बीजेपी के गृह राज्य मंत्री टूरिंग पे टूरिंग वो कर रहा है, सबको आश्वासन दे रहा है। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्लानिंग कमीशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ख़त्म करेगा बोलकर अभी तक कोई भी राज्य को, चाहे कांग्रेस राज्य सरकार हो या प्रदेश शासन जो बीजेपी का सरकार हो, हाल ही में किसी को भी फंड एलोकेशन नहीं दिया। रिसेंटली हमने एक खबर मिला है, प्लानिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है हर राज्य को, पहले जो जिस सिस्टम से चलता था इस बार उस प्रकार से चलना चाहिए, उसी हिसाब से आप लोग यूपी बनने के लिए उन लोग ने अभी एक आदेश दिया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, प्रदेश में डेवलपमेंट होने के लिए केंद्र सरकार राज्य को जो उसका अधिकार है वो पैसा को अभी तक रिलीज नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुख का बात है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी प्रवक्ता तेजी नाचा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार विकास करने में लगातार नाकाम रही है और जनता अभी भी विकास के लिए उम्मीद लगाए बैठी है। मंगलवार को ईटानगर में मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजी नाचा ने कहा कि बीजेपी अरुणाचल में विकास कार्य हो इसलिए वो राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रही है। तेजी नाचा ने हमला करते हुए कहा कि सरकार राज्य में केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को पूरा करने में फिसड्डी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 200 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनका इस्तेमाल बिजली जनरेटर के रूप में किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं को लागू करने में विफलता साबित हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी सीमावर्ती क्षेत्रों और सड़कों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। ये मेंबरशिप खत्म होने के बाद न्यू ऑफिस बियरर आएगा, उसमें हम लोग एक नया दिशा तय करेगा, और स्वच्छ भारत अभियान को
हर अरुणाचल के मानसिकता में रुका दुकाने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। और ये सिर्फ नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ नहीं है, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जैसे अनटचेबिलिटी है, कॉमन आम आदमी का अनटचेबिलिटी, उसको टचेबिलिटी बनाने का हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये शुरू करेगा। आज देखिए ऐसे ऐसे स्कीम है, आम आदमी मालूम नहीं है, लेकिन वो अनटचेबिलिटी रह जाता है, आम आदमी लोग टचेबिलिटी में नहीं आता, उसको भी हम लोग टचेबिलिटी बनाने के लिए कोशिश करेगा। और उसके बाद आज हम लोग का अरुणाचल में पावर सेक्टर जो है, माइक्रो एंड स्मॉल हाइडल एंड माइक्रो हाइडल बहुत सा बना गया, 200 करीब बना गया है, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में सब डिवीजन है तो हम लोग लाइट नहीं मिलता है, इसलिए हमारा इंडस्ट्री जो है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री बनाना है, राइस मिल चलाना है, मस्टर ऑयल मिल चलाना है, लाइट नहीं तो किसे चलाएगा, इसलिए हम कुटुब उद्योग में भी लेकिंग चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको लाइट चाहिए। हम मेगा हाइडल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 200 हाइडल प्रोजेक्ट को स्मॉल हाइडल अप टू डेट करता है, हम पावर सप्लस हो जाता है। अब एक एक हाइडल प्रोजेक्ट में 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, कोई कोई में 1 किलो होता है, कोई कोई 2 किलो 4 किलो होता है, उसको अच्छा से मरम्मत करके हम ले सकते हैं ना। बॉर्डर इलाका में हम लोग का आदमी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, खाने का तकलीफ है, पीने का तकलीफ है, जाने का जो है यातायात का प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग अभियान चलाएगा कि इतना तक पहुँचिए, उधर का सुविधा होना चाहिए। आज देखिए सिंगा जैसा जगह में आपका एक सीमेंट बैग 6,000 रुपया होता है, नीमो का किलो 150 रुपया होता है, तो देखिए कितना तकलीफ में रहता है कि नहीं। तो इसीलिए ये भी एक हम लोग अभियान जारी करना है, इतना दिन हम लोग रास्ता होना चाहिए, रोड कम्युनिकेशन यातायात होना चाहिए, आज तक होता नहीं, ये भी हम लोग बहुत अरुणाचल में बहुत सा कुछ करने का है। आज देखिए हमारा अरुणाचल ऐसा पोना एंड पोरा वर्ल्ड का गिफ्टेड एरिया है, 500 ऑर्किड स्पेसिस है, आज उसको इलीगल ट्रैपिंग चल रहा है, जो एनिमल जो वैल्यूएबल है उसको भी इलीगल ट्रैपिंग चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कंट्रोल नहीं है, चेक गेट ऐसे पड़ा हुआ है, वो आदमी को जानता भी नहीं है क्या चीज़ है, मालूम भी नहीं, ऐसे तो ले जाता है ना। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में इतना वैल्यूएबल आइटम हो जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है कि उसको साइंटिफिक टेम्परमेंट लेके रिसर्च करके उसको पेटेंट बनाना है, रिकॉर्ड में रख के हम उसको सर्विलेंस में रखना है, हमारा रिसोर्स आगे नहीं जाना, ये चीज़ भी करना है। मणिपुर के इम्फाल में करीब 17 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को राज्य पुलिस ने सोमवार को नष्ट कर दिया। इम्फाल के लिलोंग पान अहम्बी एरिया में पुलिस ने डिस्पोजिंग कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में भारी मात्रा में दवाइयां और ड्रग्स थे। नष्ट किए गए सभी नशीले पदार्थ इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और लिलोंग पुलिस स्टेशन द्वारा 2012 और 2013 में जब्त किए गए थे। मणिपुर के इम्फाल स्थित पोलो ग्राउंड में सोमवार को 57वें माउंटेन डिवीजन पोलो टूर्नामेंट 2014 शुरू हो गया। माउंटेन डिवीजन पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन के विशिष्ट सेवा मेडल विजेता मेजर जनरल पीएम बाली द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन मणिपुर हॉर्स राइडिंग और पोलो एसोसिएशन द्वारा किया गया था। 9 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 11 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी मणिपुर हॉर्स राइडिंग और पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष एस बुद्धचंद्र सिंह भी मौजूद थे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।